श्री राम जय राम जय जय राम गाइए श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धि न तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। मुझे कई लोग कहते कि आपके कोई मित्र है, आपके कोई मित्र है, और लोग उदारता से कहते भी हैं कि कोई मित्र मेरे, बाकी मैं कहता हूँ मेरा कोई मित्र नहीं, एक था वो, इसलिए मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं, इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं, बड़ा बड़ा लहर मारू छू, कोई दुश्मनी करे तो करे, वो तो उनका संस्कार है, इसमें मैं क्या करूं। तुम्हारी समझ में न आए मैं क्या, सबको मालूम है कि मैं शराबी, सबको मालूम, ये तो आप जानते हैं ना, बस तो फिर क्या बात है, फिर भी तुलसी पिलाए तो मैं क्या करूं, फिर भी ये पगड़ी पिलाए तो मैं क्या। माँ दूध पिलाती है ना बच्चे को, तो कपड़े को दूध में निचो करके पिलाती है, मुझे इस पगड़ी निचो निचो कर दूध पिलाया। फिर तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं, तुम बीमार रहो तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई, मैं ना कुछ कसूर तो अध्यात्म में मैत्री थोड़ी, मैत्री तो दरा की बात है, जरूर पतंजलि ने मैत्री शब्द का उपयोग किया है, और मेरे रामचरितमानस में संत का एक लक्षण है मैत्री। तो इन दो पंक्तियों का जो अर्थ है, अनंत अर्थ हो सकते हैं, तो शास्त्र है, तर्क से कई रूप से, हमारे अभी सोमनाथ में एक चर्चा चली थी कथाकारों के सम्मेलन में, तो हमारे महाराज श्री ने बहुत सुंदर पक्ष प्रतिपादन किया, बहुत सुंदर उसने कहा कि काशी में हमने एक बार एक विलास रखा, चर्चा रखी, और उसमें तुलसी की एक चौपाई रख दी, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावु निज सहज स्वरूप। भगवान ने कहा है कि मेरे दर्शन का ये अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता। भगवान के दर्शन का फल क्या कि व्यक्ति अपने निजता को प्राप्त कर ले, और जीव का निज स्वरूप क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का स्पष्ट रूप तो यह है कि ईश्वर का अंश है, ममैव अंशो, जीव का स्वरूप है ईश्वरांश अविनाशीपना,
चेतन अमल सहज सुख रासी। तो परमात्मा के दर्शन का फल है जीव को अपने मूल स्वरूप का भान हो। तो बड़ी सुंदर, वो काशी में ऐसी चर्चा चली होगी तो पूज्य श्री बहुत सुंदर बात कर रहे थे। तो सब ने विरोध बिलक बिलक बातें छेड़ी कि भगवान का दर्शन का ये फल कहाँ है। ताड़का ने भगवान का दर्शन किया तो क्या वो अपने आप को पहचान पाई। सूर्पनखा ने भगवान का दर्शन किया तो क्या वो भगवान को पहचान पाई। रावण ने दर्शन किया, फलाने, वो सब तर्क से भी, काशी तो तर्क की नगरी है, वहाँ तो बौद्धिक कसरत होती रहती है। तो बहुत से प्रसंग जुटा रहे थे जो मैं सुन रहा था सभा में बैठा बैठा। मैंने कहा कि काशी के पंडितों को किसने कहा कि इसका अर्थ ये होता है इसका अर्थ क्या होता है? उसके लिए तो किसी आजान बाहु के चरणों में बैठना होता है। भगवान ने ये नहीं कहा यहाँ कि मेरे दर्शन का फल ये है कि जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने ये कहा कि मम दर्शन, मेरा दर्शन ऐसा है कि जीव का परम फल है अपने स्वरूप का बोध होना। ऐसा मेरा दर्शन है, ऐसा मेरा मत है। जैसे कहते ना, मेरा दर्शन ऐसा है भाई, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मेरा दर्शन करने से जीव को अपने रूप का भान हो जाए तो आप तर्क करके तोड़ोगे भगवान की इस पंक्ति को कि फलाने दर्शन किया तो भी उसको भान नहीं हुआ फलाने। भगवान कहते मेरा दर्शन ऐसा है, मेरा मत ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूं कि जीव का परम फल है, अनुपम फल है अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ले। ऐसा अर्थ तो तर्क से कुछ बातें करनी हो तो कैसे भी कैसे उसको मंडित करो, उसको खंडित करो, उसको मंडित करो, उसको खंडित करो, ये सब हो सकता है। वहां तो मैं नहीं बोला क्योंकि वहां फिर और कसरत शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने तो, लेकिन मैंने तुरंत शाम को दो चार बैठे थे, मैंने कहा इस पंक्ति का यही अर्थ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बाप, शास्त्र किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है, क्यों न हम बापू की जवानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की जवानी, इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम, जय सियाराम।